मैं चिंकी कावड़िया ब्यावर से। 29 को मम्मी को एकदम पैलेसिस का मुंह पे आया, वो बोल नहीं पा रहे थे। फिर हम लोग यहाँ, मतलब वन ऑफ द रिलेटिव है नवरतन जी ओसतवाल, जिन्हें लगभग 2-3 महीने से कोई डायग्नोस ही नहीं कर पाया था, उनको एट लास्ट सीके बिरला में डॉक्टर कपिल और डॉक्टर अंजनी कुमार ने डायग्नोस किया। फिर पता चला कि उनका रीजन क्या था, उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि आप यहाँ आए। लगभग 1:15 बजे ब्यावर में हुआ था और फिर हम लोग रवाना हो गए। डॉक्टर से कांटेक्ट करा, डॉक्टर ने रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिया कि आप डायरेक्ट यहाँ पहुँचिए। हम लोग 7:30 तक यहाँ आ गए थे। यहाँ एंटर करते हैं विद इन अ हाफ आवर तो मम्मी का ECG सब चूज होकर MRI तक हो चुका था, मतलब बहुत इंस्टेंट सब चीज़ें थी। फिर देन हम लोगों को ICU वगैरह में रहा, फिर पता चला कि ब्रेन में क्लॉट है। फिर डॉक्टर ने बताया हमें क्या करना चाहिए और हम लोग आए और जा रहे हैं। उसमें विजिबल चेंजेस है, जब आए थे मम्मी का लिटरली पानी भी गल्प नहीं कर पा रहे थे, निकल रहा था, खाना नहीं खा पा रहे थे, और अभी ऑलमोस्ट परफेक्ट है। थोड़ा तो है पर ऑलमोस्ट परफेक्ट है, बहुत अच्छा रिकवरी है और फुली सेटिस्फाइड। मम्मी NICU में रहे, स्टाफ वॉज सुपर, बहुत अच्छे से ध्यान रखा, हर छोटी चीज़ का ध्यान रखा कि इनको ठंड लगती है, ये लगती है, वो लग, हर चीज़ का उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा। यहाँ वॉचमैन से लेकर डॉक्टर तक का, जैसे डॉक्टर अंजनी कुमार रहे, डॉक्टर कपिल रहे, इतने हम्बल है, मैंने इतने हम्बल डॉक्टर्स नहीं देखे। डॉक्टर कपिल, मम्मी को अभी 30th को रात की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी फीवर आने से, डॉक्टर कपिल 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे पूरा मम्मी का कांटेक्ट रात को पूरा अपडेट रह रहे थे और हमें बताए जा रहे थे। मतलब ऐसा है कि पहली बार देखा कि 24/7 डॉक्टर अवेलेबल रह सकते हैं, ये तो कभी देखने को ही नहीं मिला। और डॉक्टर कपिल बहुत तो हम्बल है, हर छोटी से छोटी चीज़ का हमने कॉल किया, उन्होंने हमें रिस्पॉन्ड किया, बहुत अच्छा है, सबको सेटिस्फाइड, अच्छा है, रूम वर्क एकोमोडेशन हर चीज़ बेटर है, सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, क्लीनिंग भी बहुत अच्छी है, मतलब हाईली अप्रिशिएबल। थैंक यू।